Son como las dos de la mañana y no sé qué hacer. Recuerdo el sabor que dejaban tus labios, eran dulcitos como la miel. Y al despertar, mera naam Simar hai. एंड मैं कनाडा के एक बहुत ही प्यारे शहर टोरंटो में रहती हूँ, जो कि काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पे करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं. अगर आपको नेचर पसंद है, आपके लिए नेचर है. अगर आपको भीड़ पसंद है, तो वो भी आपके लिए है. मेरा हर दिन काफ़ी डिफरेंट होता है मेरे हिसाब से. मैं अपना सारा दिन मेरे घर में स्पेंड कर सकती हूँ. अगर सोचा जाए तो हम सब लोग अपने घर में काफ़ी ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं. घर में कितनी चीज़ें करते हैं हम. घर में बैठ के फैमिली के साथ बातचीत होती है, घर में गैदरिंग्स होती हैं, घर में आप कुक करते हैं, आराम करते हैं, एंटरटेन करते हैं. सो मेरा समय बहुत ही मज़े से स्पेंड कर सकती हूँ किसी किताब को रीड करने में, या फिर मेरे प्यारे प्लांट्स के साथ. जो इस समय मेरे घर से मिसिंग है, वो इसलिए क्योंकि हम लोग जल्दी ही घर मूव करने वाले हैं. पर मुझे यकीन है कि मैं जल्दी ही जहाँ पे भी जाऊँगी, मेरे घर में फिर से बाहर आ जाएगी प्लांट्स की. अगर कहा जाए तो एक्चुअल में मैं होम बडी हूँ. वो शायद इंट्रोवर्ट होने की वजह से या पता नहीं, पर मुझे घर पे रहना बहुत अच्छा लगता है. आपको देखने के लिए शायद मेरा हर दिन एक जैसा ही लगेगा, पर हर दिन मुझे उतनी ही खुशी देता है, उतना ही फुलफिल करता है जितना पिछले दिन ने किया. मुझे पार्क में घूमना भी बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जब अच्छा मौसम हो. अभी हमारे यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हम और घर में बंद हो जाते हैं. पर आई रियली लाइक स्पेंडिंग टाइम इन नेचर. आई डोंट नो, एक अलग सी खुशी और एक अलग सा जॉय मिलता है जब आप नेचर में समय स्पेंड करते हैं. आज कल के इस सोशल मीडिया के ज़माने में हम लोग बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं हमारी ज़िंदगी को किसी और की ज़िंदगी के साथ. सोशल मीडिया पे ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी के हाईलाइट ही अपलोड करते हैं, वो अपना हर दिन अपलोड नहीं करते हैं. तो आप उसको अपनी ज़िंदगी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं. कोई लोग बहुत ज़्यादा तेज़ ज़िंदगी जीते हैं, उनकी लाइफ में एवरी डे पार्टी है, वकेशन है, बहुत अच्छे इवेंट्स हैं. तो आपको भी वैसा ही चाहिए. कई बार आप अपनी सिचुएशन वैसी क्रिएट भी कर लेते हैं, पर क्या वाकई आप अपने ड्रीम्स जी रहे हैं, या जो वो ड्रीम्स आपको दिखा रहे हैं वो जी रहे हैं? इस एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में जो भी आपको दिखाया जाता है, आपका वो ख़रीदने का मन करता है या फिर आप ख़रीद ही लेते हैं. क्या उसकी ज़रूरत आपको रियली है? इन्फ्लुएंस इतनी ज़्यादा तगड़ी है कि आपको पता ही नहीं चलता कि ये आपका विचार है या किसी और का. सो आपको वही करना चाहिए जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं. किसी और का सपना जीने की ज़रूरत नहीं है. मे भी आपको भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ ज़िंदगी अच्छी लगती हो, जिसमें कुछ भी बुरा नहीं है. पर जो लोग बोरिंग ज़िंदगी जीते हैं या ऑर्डिनरी ज़िंदगी जीते हैं, उनमें भी कोई बुराई नहीं है. तो आपके पास जो भी है, उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए और आपको ये देखना चाहिए कि आपको क्या करने में मज़ा आ रहा है. क्योंकि हम सब लोग एक दूसरे से अलग हैं. आप सेम घर में पैदा हुए सिबलिंग्स को ही देख लें, उनमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. वो भी एक दूसरे से मैच नहीं करते. उनके विचार, उनका, उनकी क्वालिटीज़, उनका ज़िंदगी को जीने का नज़रिया, सब कुछ अलग होता है. क्योंकि हर कोई इंसान इंडिविजुअल है. एक्चुअली ये जानने में बहुत ज़्यादा समय चला जाता है कि आपको पसंद क्या है. पर मैं यही कहना चाहूँगी अन में कि आप
मोमेंट को इन्जॉय करें, नाउ में जिए, फ्यूचर की चिंता मत करें और पास्ट जो आपके हाथों से निकल चुका है उसके बारे में मत सोचें, आप सिर्फ नाउ को इन्जॉय करें। बस मैं यही मैसेज आप तक पहुंचाना चाहती थी कि एक बोरिंग एंड ऑर्डिनरी ज़िंदगी भी बहुत खूबसूरत हो सकती है। तेरी मेरी कुड़ियनी बिच बटन आदा जोड़ा, तेरी मेरी कुड़ियनी। मुझे लगता है कि किसी बहुत ज़्यादा बड़ी, बहुत ज़्यादा लग्जरी, बहुत ज़्यादा चीज़ों से भरी हुई ज़िंदगी देखने से ज़्यादा अच्छा लगता है किसी को अपने घर में रहते हुए देखना कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ रहे हैं और कैसे अपनी डे टू डे लाइफ जीते हैं और क्या खाते हैं, क्या कुक कर रहे हैं वो, उनकी किचन में क्या बन रहा है और उनका घर कैसे दिखता है। ये चीज़ें देखने में मुझे लगता है मुझे ज़्यादा मज़ा आता है बजाय किसी की ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा लग्जरी देखने में। शायद आपको अच्छा लगता होगा और उसमें कुछ बुरा भी नहीं है, पर ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ ना गैदर होकर बहुत बड़ी खुशी बन जाती है। सो अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान दिया करें और खुश रहे। Take my hand and hold it tight. Look at the paintings, I'll be your guide. Don't stop looking in my eyes. Are you? Okay, good morning, Nia. दोस्तों, it's 1:30 and Daddy's first meal. ये time तो गलत है। आपका पहला meal क्या खाने वाले हो? मेरा पहला meal है oats, kind like few berries. बहुत सही, बहुत पतले लग गए ने। 3 अंडे. You're looking very skinny. क्यों? It's nice. हाँ। Guys, look, Daddy lost so much weight. Okay, that's nice. That's nice. अरे कोई नहीं, इन्हें तो पाने हैं। मेरी recipe है ये। बहुत तगड़ी रेसिपी, इन्हें तो अक्ल आना फिर। ओह एक्चुअली गाइस, ये हस्बैंड जो ओट्स खाते हैं ना, ये स्पेशल ओट्स हैं, स्प्राउटेड रोल्ड ओट्स, ग्लूटेन फ्री हैं एंड कैलोरीज इसमें सबसे ज्यादा कम। दिस इज द बेस्ट ओट्स आउट देयर। ओके, नमा लफाफा खोल लिया जा रहा है। व्हाई न्यू बैग गाइस? ओके, एंड हस्बैंड यूज कर रहे हैं फ्रोजन बेरीज, वो भी। ओ यार रेसिपी दिखाओ ना, भूलना ना जाओ। अब इसे टक देना है। गैस चलना नहीं, रहने दो, गैस को बंद कर दो, गैस की लोड नहीं पड़ती अब ज्यादा। मेरे नासा में मत घुसाओ कैमरा। एक्चुअली वो तो नासा ने बेच ही दिया, ज़ूम से लगा। अब इसे बंद करके, साला बंद क्या करना है, ये तो वो होता है ना सील। हाँ। मैंने इसे कर्द से पहली बार कर रहे हैं।
ओके बाय। अब लेंगे हम सात बादाम। सात बादाम तो टूना तो नहीं करेंगे किसी से। ऑलराइट दोस्तों, तो मैंने खा लिया था खाना, तब हस्बैंड जिम चले गए थे, अब वो खुद के लिए बना रहे हैं। वैसे मैंने उनके ओट्स को भिगो दिया था, अब वो कुक कर रहे हैं और मैं जा रही हूँ। मुझे दो चार चीज़ें करनी है एंड उस काम के लिए मैं जाऊँगी, क्योंकि अभी स्कूल आर है तो स्टोर्स में ज़्यादा क्राउड नहीं हूँ। तो मुझे ग्रॉसरी पिक करनी है एंड कनेडियन टायर जाना है मे बी, एंड मे बी वॉलमार्ट जाना है। पहले ये बताओ तुम वीडियो क्यों नहीं डालती? जब ये वीडियो जाएगी तब तक ऑलरेडी दो वीडियोस चली गई होंगी, तो डाय। मगर पहला तूने वीडियो क्यों नहीं डाली? व्हाट वाज द इशू? आई वाज अनहेल्दी डैडी। आई वाज अनहेल्दी, आई वाज वीक। इसे थोड़ा सा ना जनता जी पुश करो तभी ये वीडियो डालेगी। जनता जी तू वोटा वो वोटा वो गाय। हस्बैंड ने वोटा का इतना मटेरियल देख लिया कि इन्हें को बस से वर्ड ही जनता हाथ जोड़ के सारे वही आ इस टाइम। I think I've fallen for you and I don't know why, I don't know why. You love the summer rain and mid-July, mid-July. My last name fits you better. When I'm with you, there's no pressure. I miss your warm sweaters. Weather couldn't compromise our love. I spent too much time on us. And I think you got me stuck on loving you. Gotta tell you all my secrets, and you know that just ain't easy for me. Oh baby, won't you come to my town? Last time around you ain't come to my house. Stay for a while, me my mama and ऑलराइट दोस्तों, तो मैंने प्लान बनाया था कि मैं थ्रिफ्ट स्टोर जाऊंगी, क्योंकि मुझे ना कोई अच्छी सी केटल चाहिए थी, क्लासिक सी, और सब साफ भी होनी चाहिए, काफी ज्यादा साफ। और उसके लिए मैं गई थ्रिफ्ट स्टोर और वहाँ से मुझे मेरी पसंद का कुछ भी नहीं मिला। बहुत बार थ्रिफ्ट स्टोर में ऐसे होता है कि मुझे खाली हाथ आना पड़ता है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि कभी कभी आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी एंड बहुत बार आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सो बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है और मुझे नज़दीक पार्किंग नहीं मिली है, काफ़ी दूर हूँ मैं। और मुझे लगता है कि छतरी जो थी गाड़ी में वो हस्बैंड ने ले ली थी एक दिन, क्या करें अब। सो अब मुझे पज के जाना पड़ेगा, और हुडी भी नहीं है इसके। ओह, मीमी की टोपी है। ओके, टोपी काम आएगी आज बालों को बचाने के लिए। भाग के जाती हूँ, लेके आती हूँ। और ये डॉलर स्टोर के पास ही लॉन्गोज भी है, और हस्बैंड को कुछ चीज़ें वहाँ से चाहिए। हस्बैंड की फरमाइश आई है कि वो किमची ट्राई करना चाहते हैं, तो वो मैं लॉन्गोज से ही लेना चाहूँगी। ओके, सो फार मैं हूँ वॉलमार्ट में एंड कुछ कुछ चीज़ें मैंने खरीदी हैं। सो फार वॉलमार्ट से मैंने मिल्क ख़रीदा है, ओट मिल्क, क्योंकि आजकल मैं स्मूदी पी रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए एंड मैं नॉर्मल दूध नहीं पीना चाहती हूँ। ऑलराइट दोस्तों, सो मैंने वॉलमार्ट से डन हो गया मेरा। जब से मैं घर से निकली हूँ तभी से बारिश हो रही है, अभी भी बारिश बननी हुई है। सो अभी बहुत लेट हो गया मुझे पे करने में, क्योंकि ज़्यादातर वॉलमार्ट ने जो सर्व करते थे आपका चेकआउट करने पे वो बंद कर दिए, तो सेल्फ चेकआउट कर दिया है ज़्यादातर। तो मेरे आगे एक बहुत ही ज़्यादा बुड्ढी लेडी वो जा रही थी, तो एक जो बता रही थी कि कौन से नंबर पे जाएं, वो फ़ोन पे बात कर रही थी एंड उसने उस ओल्ड लेडी को कहा कि 5 नंबर पर चले जाओ, पर 5 नंबर पर कोई और चला गया एंड वो ओल्ड लेडी वो 5 नंबर वालों के पीछे खड़ी रही बेचारी। मैंने उसको कहा कि और बहुत सारे चेकआउट खाली है, तुम कहीं और चले जाओ। शी सेड कि नहीं, मुझे वो लेडी ने नंबर 5 पे आने के लिए कहा है। मैंने कहा कि ये सेल्फ चेकआउट है, आप किसी भी पे चले जाओ। शी सेड कि मुझे नहीं होगा, ये लड़कियां मेरी हेल्प करेंगी। मैंने कहा कि ये लड़कियां यहाँ पे काम नहीं करती हैं,
अपना चेकआउट कर रही है। मैंने कहा कि चलो कम मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। उसके पास तीन ही चीज़ें थी और मैंने उसका स्कैन करने के लिए हेल्प कर दी, पर पे करने के लिए वो कह रही कि मेरी हेल्प कर दो पे करने के लिए भी। मैंने कहा कि ओके अपना कार्ड दो, उसने कार्ड दिया, मैंने स्कैन टैप किया, टैप काम नहीं किया। फिर मैंने दो तीन बार टैप करने की कोशिश की, काम नहीं किया, पर उस पर साइन बना हुआ था कि ये टैप। सो मेरा कैमरा बंद हो गया था। आई डोंट नो क्यों ऐसे हो रहा है कि हर सारी कायनात मुझे मदद कर रही है वीडियो नहीं बनाने में। कैमरा बंद हो गया, मैंने बैटरी चेंज की, वो बैटरी भी बंद हो गई एंड मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। देन मेमोरी कार्ड फुल हो गया, मैंने दूसरा मेमोरी कार्ड डाला वो भी फुल हो गया, एक और डाला वो एरर आ गया एंड अभी लकीली मेरे पास एक और खाली मेमोरी कार्ड है, ये काम कर रहा है। अब पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है। ओके सो क्या हुआ कि उसका कार्ड काम नहीं किया और मुझे लगा कि मुझे भी अपना काम करना है, मैं इसकी मदद कैसे करूं। फिर मैंने उस लेडी को बताया जो बता रही थी कि इस नंबर पर चले जाओ, इस नंबर पर, कि इसकी आके मदद कर दो। शी सेड कि मदद क्या करनी है, सेल्फ चेकआउट है। मैंने कहा कि उस वो बहुत ओल्ड है, शी कान डू इट हर सेल्फ, प्लीज़ हेल्प हर, एंड वो फ़ोन पे बिजी है। एंड उसने फ़ोन वाले को कहा कि तुम होल्ड करो। वो उर्दू में बात कर रही थी और उसे लग रहा कि हमें पता नहीं चल रहा कि वो क्या कह रही है। वो कह रही है कि यार क्या इन लोगों ने मुझे परेशान करके रखा है, आज पता नहीं कितना बुरा दिन है कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ रही है। और वो फ़ोन पे बात करने में मशरूफ़ है, किसी लाइक गप्पे लड़ा रही, पर वो एक्चुअली जो उसका काम है वो कर नहीं रही। मुझे लगा पहले कि मैं उसको कह दूं कि ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो आप, एक्चुअली यहाँ पे इन लोगों की हेल्प करने के लिए हो, फ़ोन पे बातें करने के लिए नहीं। फिर मैंने लगा कि यार मैं क्यों किसी का दिल ख़राब करूँ, इट्स ओके। सो फिर वो बुढ़ी औरत का पे हुआ, वो उसका पिन कोड के थ्रू ही पे होना था, टैप उस पर काम नहीं कर रहा था। एंड देन वो बेचारी को पिन कोड पता नहीं याद था या नहीं, फिर उसने कोई और कार्ड निकाला और उसने पे किया। और फिर वो जब वो लेडी चली गई तो वो फ़ोन पे दूसरी तरफ जिस औरत से बात कर रही वो स्पीकर पे बात कर रही और उसे बता रही, कह रही कि लोग आ जाते हैं सामान खरीदने के लिए, चला इनसे जाता नहीं, इतनी बुढ़ी औरत और लड़खड़ा के चल रही है, कह रही देखो मसला देखो इनका। चलिए ओल्ड औरत की कंडीशन क्या होगी, उसके घर में शायद कोई भी ना हो, उसे खुद ही अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग करनी हो। और लोग ऐसे ट्रीट करते हैं कई बार बुढ़े बंदों को कि जैसे बुढ़ापा उन पे कभी आएगा ही नहीं। पता नहीं जब हम लोग बुढ़े होंगे तो कितना ज्यादा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैनू बहुत बुरा लग गया कि फ़ोन पे गल्लां करनी ज़्यादा ज़रूरी है मदद करने से, और बुड्ढों को तो ऐसे ट्रीट करते हैं लोग कि बुड्ढे बेचारे कोई बीमारी है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी नहीं जीनी है, अभी वो भूखे रह जाएं कि ये आंटी को फ़ोन पे बात करनी है और वो घर पे रहें और उसे तंग ना करें। आई फेल्ट सो बैड, मैं दिल ख़राब हो गया। बट या औरत को सामान मिल गया, वो प्यारी सी अभी भी वो धीरे धीरे वॉक कर रही है। आपको दिखाऊँ मैं, दिखाती हूँ आपको, दिख रही है She's talking to people now. There she is. Oh, she's waiting for her ride, I think her ride's here. No, not there. I wish her ride had that your main sukh sukh kar chali aayi. Mujhe nahi chinta rahi chali gayi kid bhai. दोस्तों तो वो प्यारी ओल्ड लेडी चली गई हैं और अब मुझे लगता है कि हम भी घर जा सकते हैं। लेट्स गो होम। And I know the rules already because my mom told me. So I'm so excited, guys, to play chess. And so watch us play. I don't know who will win, but I have zero wins right now. Zero, okay? I'm so excited. If I get one, I will just break the game. When I wake, you begging me, draining me of my energy. I forgive all the harm you've done to me. I love you. Although you gave me. So, आज के डिनर के मेन्यू में है कड़ी चावल। कड़ी मेरे हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मुझे लगता है कि हर एक पंजाबी को कड़ी बहुत पसंद होती है क्योंकि ये हमारा स्टेपल फूड है।
मुझे याद है कि जब घर में लस्सी होती है तो उससे कढ़ी बनना तो लाजमी है और उस कढ़ी का फ्लेवर भी डिफरेंट होता है, पर मैं कभी कढ़ी की फ़ैन नहीं थी। जब कढ़ी बनती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे याद है कि जब हमारे घर में कढ़ी बनती थी तो मेरे लिए मम्मी क्या करती थी कि हमारे घर में मम्मी ने बैंगन के पौधे लगा के रखे थे वाइट, जिसमें बहुत सारे भर भर के वाइट बैंगन लगते थे। सो मम्मी उसको ना अच्छी अच्छी लंबी स्लाइसेस में काट के फ्राई कर देती थी, बैंगन के चिप्स जैसे बना देती थी, उसके बाद उस पर मसाला डाल के उसके साथ मैं रोटी खाती थी। और ऐसा ही मम्मी तब करती थी जब साग बना हो, क्योंकि साग भी मैं बिल्कुल खा नहीं सकती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था। सो या हस्बैंड को कढ़ी पसंद है, अगर हस्बैंड कढ़ी ना खाएं तो मुझे लगता है मेरे घर में मैं कभी कढ़ी बनाऊँ नहीं। उनके ही खुशी के लिए कढ़ी बना रही हूँ आज मैं। मेरे कुकिंग चैनल पे कढ़ी की रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार एंड बहुत आसान। सो मैं यूजली क्या करती हूँ कि बेसन एंड दही को मिक्स करके उसमें सीजनिंग डाल के उसको करने के लिए छोड़ देती हूँ, वो करती रहती है आराम से। जब मुझे लगता है कि हम लोग खाने के लिए रेडी हैं तो मैं टाबा स्टाइल उसमें तड़का लगा देती हूँ। यहाँ पे मैं पकौड़े का मिक्स बना रही हूँ और उसमें मैंने बेकिंग पाउडर इसलिए डाला है क्योंकि जो कढ़ी के पकौड़े होते हैं ना वो सॉफ्ट अच्छे लगते हैं, क्रिस्पी नहीं। सो अगर आप बेकिंग पाउडर डालें ना तो वो फूल फूल के बनते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं कढ़ी में। सो हम पकौड़े बना लेंगे क्योंकि पकौड़े के बिना कढ़ी बेचारी गरीब सी अधूरी लगती है। तो मैंने आज पकौड़े में सिर्फ पालक एंड आलू डाले हैं क्योंकि मैं अनियन नहीं खाती हूँ। और अनियन मैं क्यों नहीं खाती हूँ मुझे खुद भी पता नहीं है, मैंने कभी खाए नहीं है, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। सो इसलिए मैंने सिर्फ पालक एंड आलू के बनाए कि मैं आराम से खा पाऊँ। सो अगर मैं इसमें अनियन डाल देती हूँ तो फिर मैं पकौड़े नहीं खाती हूँ, सिर्फ कड़ी कड़ी के साथ राइस खा लेती हूँ। सो अब हमारे पकौड़े बन रहे हैं एंड मैं प्यार से कुक कर रही हूँ। आई थिंक मेरी एक दोस्त है, उसको कुकिंग पता नहीं पसंद है या नहीं, पर वो बहुत तेज़ी में कुक करती है और कच्चे प्याज कच्चे टमाटर एवरीथिंग वो ऐसे ही कर देती है। बस वो कह रही कि मेरे पास बिल्कुल पेशेंस नहीं है तुम्हारी तरह कुक करने के लिए, मुझे कुक करना बिल्कुल पसंद नहीं है। पर मेरी ये कोशिश होती है कि जब मैं कुक करूँ बहुत ही प्यार से बहुत ही मज़े से कुक करूँ कि जो खाए उसे मज़ा आ जाए। सो रबी की दया है कि जब मैं फूड कुक करती हूँ तो थोड़ा स्वादिष्ट बन ही जाता है और ज़्यादा एफर्ट नहीं डालती हूँ मैं, पर प्यार से कुक करती हूँ मैं। अब हम कढ़ी को तड़का लगा लेंगे। तड़के के बाद कढ़ी तैयार है, पर अभी हस्बैंड अभी खाने के लिए तैयार नहीं है। और कढ़ी में मुझे ना ये मेथी सीड बहुत अच्छा लगता है, इसका अलग से फ्लेवर आता है। ऐसा होता है ना कि कभी किसी के हाथ की कोई स्पेशल चीज़ बहुत अच्छी लगती है, तो कढ़ी का भी मुझे लगता है ऐसा है कि किसी किसी के हाथ की कढ़ी बहुत अच्छी बनती है। मेरी मम्मी भी अच्छी कढ़ी बनाती है। और अचार का भी ऐसे होता है कि कोई कोई बंदे का अचार ज़्यादा फ्लेवरफुल लगता है, हर एक बंदे के हाथ में ना डिफरेंट फ्लेवर होता है। पर कई आम का अचार डालेंगे कितनी जल्दी गल जाता है, और कोई डालेंगे और हमेशा कच्चा एंड क्रिस्पी सा रहता है। आपको मैंगो का अचार कच्चा कच्चा अच्छा लगता है या बहुत ही पका हुआ, बताना मुझे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, मुझे कच्चा कच्चा अच्छा लगता है। तो मेरी कढ़ी तैयार हो चुकी है और अब हमारा फ्रूट टाइम है। मैं खाने वाली हूँ बेरीज और हिम्मत भी। हस्बैंड आजकल ग्रेप फ्रूट खाना पसंद करते हैं पर मुझसे खाया नहीं जाता, बहुत ही कड़वा लगता है मुझे। देखो कितना अच्छा काटा है मैंने, इतनी गुणकारी हूँ ना मैं, बहुत ही मज़ेदार चीज़ें करती हूँ मैं। सो इस तरह हमारा कढ़ी चावल का डिनर रेडी है खाने के लिए। मज़े लेके पति ने खाया और उनके रिव्यूज़ थे कि उनको अच्छा लगा। सो यह पति को अच्छा लगा तो हमारा दिन बन गया। Today I'm trying tea for my first time. It's like flour. Is it good? Yes. Yeah, I want more of this. So please subscribe. And the subscribe is right here. The link is here.
and the notification is right here. Notification. I hope you enjoyed today's video. And this was, and actually guys, when you see an old lady, always help them. If this, and I hope you enjoy Mama's story time about the old lady. And guys, actually helping people, it's just for free. It's just kindness. Don't like, oh, here, I will help you. Here's the money. Don't just do that. And I will tell you, I will remind you one more time. The subscribe is right here. Notification is right here. And the link, thumbs up, is right here. If you enjoyed the video, there are two videos right here waiting for you right now. Goodbye. Hit me already bright color. Bye. What, guys? Are you seriously kidding me? Okay, fine. I will tell you again. No, you don't have to. Guys, right here. But it's my meditation time. I'm gonna go upstairs, spend some 20-30 minutes, then I call you, then come, okay? Bye! And guys, if you enjoyed the video, there's two videos are right here, one here, and another one here. Please, just put them if you want. Or if you want more, just no two, then press Mama's picture. Then more will come. And goodbye! सो अपस्टेयर आ चुकी हूँ मैं. जल्दी से मैं मेरे कपड़ों को चेंज करूँगी और थोड़ा मेडिटेट करूँगी, क्योंकि आज मेरा बहुत ज़्यादा मज़ेदार दिन नहीं है. आज मेरे काफ़ी जोड़ों में दर्द है. हैंड के कितने जोड़ हो गए, 10-15 जोड़ों में होगा. सो जब मैं मेडिटेट करती हूँ मुझे अच्छा फील होता है. आजकल मैं कर रही हूँ चक्रा हीलिंग मेडिटेशन. उस पर मंत्रास भी बोलते हैं. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी अगर आप करना चाहें तो. बड़ा मज़ा आता है उसको करने में, बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा आपको, ज़रूर से करना. ऑलरेडी 9 बज चुके हैं एंड हमारी कोशिश होती है कि 9:30 तक हम सो जाएं, हिम्मत सो जाए. मेरी नींद तो थोड़ी ठीक ठाक किस्म की ही है, सो हिम्मत सो जाए, क्योंकि सुबह हमें फिर से 7 बजे उठना पड़ता है उसके स्कूल के लिए. सो इसलिए मैं अपस्टेयर आ गई हूँ. आई होप आपने आज का व्लॉग इन्जॉय किया होगा. अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर देना, क्योंकि अदरवाइज़ आपको मेरी वीडियोज़ का पता नहीं चलेगा कि अपलोड हुई है या नहीं. ये यूट्यूब का ये जो नया चक्कर है ना, उसमें पता नहीं चलता है कब कोई क्या अपलोड करता है. एंड मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो, उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती हूँ एक्टिव रहने की. जब मैं यहाँ पे चीज़ें नहीं अपलोड कर पाती हूँ, पर मैं हमेशा वहाँ पे करती हूँ, तो वहाँ पे मुझे प्लीज़ फॉलो कर ले. इंस्टाग्राम पे करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप टिकटॉक पे भी करना चाहते हैं, वहाँ पे भी कर सकते हैं. सो मैं मिलूँगी आपको नए वीडियो में. सो मैं मिलूँगी आपको कल नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बिल्कुल मत भूलें दोस्तों. यू गाइज़ आर ब्यूटिफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग. यू गाइज़ कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. दैट्स इट. ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी. आई लव यू गाइज़ सो वेरी मच. बाय. मेरी नींद बहुत आ रही है आँखों में. आँखों को खुले रखना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है. अब तो मुझे ऐसे नींद आ रही है कि मैं जैसे गिरूंगी तभी मैं सो जाऊंगी. जब मैं बेड पे जाऊंगी नींद उड़ जाएगी. अगर आपके साथ ऐसा होता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना.